गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय उद्योग धंधे। भारत का परिचय। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत के अधिकतर उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया भी विभिन्न भिन्न होती है। कृषि द्वारा अनेक उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। इसके बदले में उद्योगों द्वारा कृषि के विभिन्न यंत्र, साधन, खाद एवं पक्का माल उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं कि बहुत अधिक कृषि होती है यहाँ पर, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कृषि प्रधान देश। और भारत की कृषि पर ही बहुत सारे उद्योग हमारे आधारित हैं। इस कृषि पर ही हमारे बहुत से उद्योग होते हैं और जो उद्योग है उनके लिए कच्चा माल हमें इस कृषि के माध्यम से ही मिलता है। और बदले में उद्योग क्या करते हैं, अब देखो कृषि से जो चीज हुई, जैसे मतलब गन्ना हुआ उससे हमने चीनी चीनी का उद्योग कर दिया, कपास हुई उससे हमने कपड़े का कर लिया। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि कृषि से मिल जाता है कच्चा माल और उससे उद्योग होते हैं। और फिर क्या होता है कि उद्योगों में इस कृषि के लिए यंत्र बनाए जाते हैं, मतलब औजार वगैरह जो बनाने हैं या खाद है वो कहाँ बनती है, उद्योग खोले जाएंगे खाद बनाने का उद्योग होगा, ठीक है, और कच्चे माल से पक्का माल बनाने के उद्योग किए जाएंगे। तो इस प्रकार कृषि से कच्चा माल मिलेगा, उद्योगों से कृषि के लिए औजार वगैरह मिल जाएंगे, खाद वगैरह मिल जाएगी। इस प्रकार कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहाँ कच्चा माल कम कीमत, कम परिवहन खर्चों में उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त आवागमन के साधन, यातायात की सुविधा एवं संचार माध्यमों का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है। अब उन्होंने कहा कि क्या किया जाता है, इस प्रकार की कृषि जो उद्योग है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कृषि उद्योगों पर डिपेंड करती है, उद्योग जो है कृषि पर निर्भर करते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसीलिए उद्योगों की स्थापना ऐसे स्थानों पर काम करे जाते हैं, उद्योग कहाँ खोले जाते हैं, जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाए, ठीक है, कम कीमत पर भी मिल जाए और कम कीमत पर मिल जाए और परिवहन का खर्चा कम हो, मतलब आसपास ही मिल जाए। अगर कहीं दूर मिलेगा तो क्या होगा, हमें ट्रक टेम्पो वगैरह ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी और जिसका हमें किराया ज्यादा। भारत में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की जाती है जिसके द्वारा क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाता है। सरकारी संयंत्रों के अतिरिक्त व्यक्तिगत उद्योगों की स्थापना की जाती है। अब उन्होंने कहा भारत में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं खोली जाएंगी, सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की जाती है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अगर लोगों को रोजगार मिल गया तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। सरकारी संयंत्र तो खोले ही जाते हैं, सरकारी कारखाने वगैरह तो खोले ही जाएंगे, उसके साथ साथ व्यक्तिगत उद्योग धंधे भी खोले जाते हैं। अब बढ़ती जनसंख्या एवं औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास हो गया है। अब क्या हुआ कि बहुत से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और औद्योगिक क्रांति होती गई, नए नए उद्योग खुलते गए, तो उसके कारण क्या हुआ है, उद्योगों का बड़े पैमाने के उद्योग वगैरह भी खुलने शुरू हो गए। उद्योग, भारत आज औद्योगिक दृष्टिकोण से भी संपन्न राष्ट्र होता जा रहा है। उद्योगों में अनेक प्रकार की प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है। मैंने कहा कि एक संपन्न राष्ट्र हो चुका है, बहुत इतने उद्योग खुल गए हैं यहाँ पर जिसकी गिनती नहीं, और अनेक प्रकार के उद्योगों में अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। भारत में इन प्राकृतिक स्रोतों का भंडार है। आज भारत में वाहन, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, फ्रिज, एसी, टेलीविजन, कंप्यूटर, बिजली घर इत्यादि सभी का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि और ये प्राकृतिक स्रोतों के तो भंडार है यहाँ पर। आज हम देखें हमारे यहाँ वाहन, इतने वाहन देखने को मिल जाएंगे आपको, दैनिक जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, तो ये बिजली घर हो इत्यादि, इन सभी का निर्माण बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर ही हमें देखने को मिल जाते हैं।
अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत उन्नति के प्रयास कर रहा है और जो राष्ट्र अपने उत्पादन कार्य क्षमता एवं सामाजिक विस्तार को बढ़ावा देता है वह विकासशील देश कहलाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अपनी स्वतंत्रता के बाद वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा रहा है और अपने उद्योगों का विस्तार कर रहा है, अपने समाज का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह विकासशील देश कहलाता है जो कार्य क्षमता को बढ़ावा देता है या आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आज भारत विकासशील देश है तक पहुंचने के लिए भी विभिन्न कार्य क्षमताओं का विकास आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने कहा आज भारत कैसा देश है, विकासशील देश है, लेकिन ऐसा यहाँ तक पहुंचने के लिए भी उसे बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ी। अतः भारत में भी विकास की गति देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। अनेक उद्योगों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। अब उन्होंने क्या कहा कि बहुत से उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं, बहुत सी और अच्छी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे कि क्या किया जाए, नए नए उद्योगों की और स्थापना की जा सके। आज के लिए बेटा ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।